हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज फिर से आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही प्यारा सा अमेजन ब्यूटी हॉल, जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा फेस मास्क जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा। आपको कोई फेशियल करने की जरूरत नहीं है, ब्लीच करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही पैक आपको तुरंत की तुरंत ग्लो देगा। आपके फेस में लाइटनिंग और ब्राइटनिंग बहुत अच्छी आएगी। और साथ एक ऐसा कंसीलर पैलेट जो अफोर्डेबल बजट में है और आपकी डिमांड में था काफी टाइम से। और ये मेकअप लुक मैंने कंप्लीट उन्हीं प्रोडक्ट से किया है, तो ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, वीडियो में ही देखिएगा। और वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक आईडी है मेरी नेचुरल ब्यूटी पार्लर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम एक ऐसे कंसीलर पैलेट की, अगर आपका बजट ज्यादा का नहीं है तो ये बहुत कम प्राइस में आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर पैलेट है। ये है ग्लैम 21 की, और इसमें हमें 8 शेड दिए गए हैं। इसमें हमारा ऑरेंज भी है, डार्क स्किन के लिए भी है, पिंक भी है, सभी जो हमारे यूज होते हैं वही शेड है इसके अंदर। और वाटरप्रूफ भी है। ये मेकअप मैंने इसी से किया हुआ है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ये कंसीलर पैलेट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। और बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाती है इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत थिक है। तो इसका नंबर देखना चाहे तो ये है A और ये है ग्लैम 21 में। तो अफोर्डेबल प्राइस में ये किट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आप चेक करके ले सकते हैं। ये है फेसेस कैनेडा वेटलेस मैट कॉम्पैक्ट। अगर आप मैट ढूंढ रहे हैं, आपकी स्किन ऑयली है, तो बहुत ही परफेक्ट आपके लिए इस तरीके का स्पॉन्ज दिया गया है। और मैंने यूज भी किया है, आप देख सकते हो पूरे फेस पर अच्छे से मैंने इसी से किया है अपने मेकअप को सेट। और इसका शेड नंबर जो मैंने मंगवाया है वो है आइवरी। तो आप ऑयली स्किन के लेना चाहें तो काफी अच्छा है, मैट फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बात करें तो ये है एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है मिनीसो का, और काफी कम प्राइस में है। आप कितने भी कॉस्टली ले सकते हो, लेकिन मैंने बहुत कम प्राइस में मंगवाया है, क्योंकि कई सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जिनका बजट नहीं होता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें क्या है, मैंने इसकी शेप को ध्यान में रखकर ये मंगवाया है। जैसे यहाँ पर भी हमारी इस तरीके की शेप है, और ये हमारी जब हम यहाँ से कॉन्टूर के पास से अपनी आईज के पास इस तरीके से अपना ब्रैना पाउडर वगैरह यूज करते हैं तो काफी परफेक्ट। और यहाँ हम अपने कॉन्टूर को फिनिशिंग देने के लिए करते हैं, तो भी ये शेप बहुत परफेक्ट है। अगर आप आईज एरिया के पास से करना चाहते हैं अपने मेकअप को सेट, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो बहुत ही परफेक्ट है। इसमें हमें एक तरीके की ये शेप दी गई है, दूसरी इधर से है, और एक है हमारा कॉर्नर। तो ये शेप मुझे काफी अच्छी लगी थी ब्यूटी ब्लेंडर की, और बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जब इसे आप वेट करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये है मिनिसो की तरफ से, और बहुत कम प्राइस में है। अगर आप अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहते हैं या एक शेप इस तरीके की ढूंढ रहे हैं जो काफी हमारे लिए परफेक्ट होती है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काफी अफोर्डेबल होगा यह आपके लिए। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है अपनी ब्रश को क्लीन करने के लिए इस तरीके के सिलिकॉन स्क्रबर, और ये इस तरीके के पाउच में मुझे मिले हैं। और ये एक साथ दो मिले हैं। इसमें काफी अलग अलग डिजाइन आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इनसे अपनी ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। करके देखिएगा जरूर। जैसे कि ये आपका है और इस पे इस तरीके का है, थोड़ा सा पानी लगाइएगा और अच्छे से शैम्पू लगाइएगा तो आपके ब्रश बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे इससे। तो मैंने ये दो वाला मंगवाया है। इसमें आपको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत सॉफ्ट है, सिलिकॉन में है, काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए अगर आप अपनी ब्रश को क्लीन करना चाहते हैं। इसमें अगर आप स्टैंड वाले भी लेना चाहते हैं तो वो भी इजिली मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। ये दो का कॉम्बो था, इसलिए मुझे ये पसंद आया। इसमें सिंगल सिंगल भी आपको काफी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने स्ट्रॉबेरी स्विस ब्यूटी के नेल थिनर की। ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कई थिनर हम यूज करते हैं तो हमारी फिंगर को व्हाइट व्हाइट कर देते हैं, बट ये इतना अच्छा है। आपको सिर्फ इसमें फिंगर डिप करनी है और आपके नेल पेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है। और ये आपने पहले और भी ब्रांड में देखे होंगे, बट काफी कम प्राइस में था और बहुत ही अच्छा है। तो ये भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, आप सेल करना चाहते हैं अपने पार्लर वगैरह में तो भी आप इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को भी काफी पसंद आते हैं ये। इसकी प्राइस भी काफी कम है, इसे भी चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे चैनल में। वहां पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बिल्कुल डिटेल में है, हिंदी में है। आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं उन्हें देख देख कर। और तो जरूर एक बार चेक करिएगा, और मेरे जितने भी वीडियोज है उन्हें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारे से लिप शेड, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ कि अगर आपकी वेडिंग होने वाली है या आप अपने पार्लर के लिए लेना चाहते हैं तो ऐसे शेड है ये, जो कलर हमेशा हमारे हर टाइम यूज होते हैं। ये है थोड़ा सा ब्राउन शेड जो मैंने अभी अपने लिप्स पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये है मैटमी का लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ लिप शेड है ये, और इसका शेड नंबर है 03। और आगे है HD लिपस्टिक, ये है स्विस ब्यूटी की। स्विस ब्यूटी के आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने प्यारे लिप शेड आपको मिल सकते हैं। मैंने 2 मंगवाए हैं, एक है मजंटा शेड और एक है रेड। रेड बहुत ही प्यारा है, इसका अगर आप लेना चाहते हैं अपने लिए तो जरूर लीजिएगा, या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इस रेड का शेड है 01। आप देख सकते हैं मैंने स्वचेज दिखा दिया, इसके काफी प्यारे हैं और पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है। आपको दिखा देती हूँ कि इसकी पैकिंग किस टाइप की है। ये पैकिंग देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। अगर ये रेड है तो रेड तरीके का दिया गया है, और ये अगर मजेंटा कलर है तो इस पे इस तरीके की पैकिंग है। मजेंटा कलर आप देख सकते हो, अलग अलग शेड। और इसका जो ये है इस तरीके का, इसमें मेटालिक है, कुछ इस तरीके से खिंच जाता है तुरंत बंद करने में, यानी बहुत ही अच्छा है ये। और लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, बट ये क्रीमी मैट है। HD लिप शेड है, स्विस ब्यूटी का वाली है। इसका है रोज लव 13 नंबर और स्वचेज में आप देख सकते हैं। तो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी ये तीनों लिप शेड, आप इन्हें इजीली मंगवा सकते हैं। इनके लिंक तीनों के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जरूर ट्राई करिएगा एक बार। ये लिप शेड गर्मियां हैं तो बहुत ही अच्छी होंगी, या आपकी वेडिंग होने वाली है तो भी बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क की। ये है O3+ का ब्लैक मास्क और ये डर्माकोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। आप कोई फेशियल नहीं कराना चाहते और एकदम चाहते हैं कि इतना अच्छा ग्लो मिल जाए जो आपको किसी फेशियल में ना मिला हो, तो एक बार ट्रस्ट के साथ इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैं भी यही चाह रही थी। अगर O3+ का है और इसका रिजल्ट कैसा होगा, तो मुझे प्रॉपर वही रिजल्ट मिला है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और इसमें हल्की सी मसाज हमें करनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा ब्लैक मास्क जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ईचिंग करते हैं या छुड़ाने में प्रॉब्लम होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको लगाना है और 8-10 मिनट हल्की सी मसाज करनी है, और फिर आप एकदम से देखिएगा आपको फेशियल से भी ज्यादा इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इसके अंदर ब्राइटनिंग मिलेगी, आपको लाइटनिंग मिलेगी, आपकी स्किन में इतनी अच्छी लाइट आ जाएगी। आप देख सकते हो वीडियोज में मेरी स्किन, मुझे काफी अच्छा लगा था। और में आपको ये इस पैकिंग तो आप देख ही सकते हैं कि इस तरीके की पैकिंग में आपको ये मिला है। मैंने दोनों यूज कर लिए हैं, अभी देख सकते हैं वीडियो में। और दूसरा एक और है, इसका अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कम प्राइस में तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और ऑल स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये अगर आप फर्स्ट टाइम मंगवाना चाहते हैं तो ये छोटा है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कॉस्टली है, बट आप एक बार छोटा ट्राई करके जरूर देखिएगा। और इंस्टेंट ग्लो, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट मास्क है ये, क्योंकि मैंने यूज किया है उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। और रिजल्ट तो O3+ के आपको पता ही है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर हेयर के लिए भी कुछ मंगवाया है। अगर आपने रिबॉन्डिंग करवाई हुई है या स्मूथनिंग की थी और आपके हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, या आपको समझ नहीं आता है कि आपको कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, यहाँ पर ये है TRESemmé और काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और ये है केराटिन स्मूथ और केराटिन एंड ऑर्गन ऑयल, ये है शैम्पू, और ये मिलता है हमें मास्क इसके साथ। मैंने दोनों एक साथ मंगवाए हैं। अगर आपने रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग कराई हुई है, आप चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी शाइन मिल जाए, आपके हेयर रिपेयर हो जाए, मैंने मंगवाया है ये TRESemmé का केराटिन प्लस शैम्पू। केराटिन स्मूथ है ये, इसमें केराटिन प्लस ऑर्गन ऑयल का यूज किया गया है। सभी तरह के हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं, आपको कोई शैम्पू समझ नहीं आता, तो आप इसका यूज जरूर करिएगा, क्योंकि केराटिन हमारे बालों को प्रोटीन देता है और ये 100% आपके बालों को सिल्की और शाइनी और स्मूथ बनाएगा। और ये 1 लीटर की क्वांटिटी में मुझे मिला है, आप इतनी बड़ी मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने मंगवाई है ये केराटिन स्मूथ एक हेयर मास्क, और ये भी TRESemmé का ही है। ये 300 ml हमें मिलता है, तो आप अगर इससे वॉश करते हैं और इसी मास्क अप्लाई करते हैं तो आप हेयर डैमेज होने से बच जाएंगे, आपके हेयर स्मूथ और सिल्की रहेंगे, और 100% आपको ये स्मूथ हेयर करेगा आपके और शाइन देगा आपके हेयर में। तो ये थे मेरे शैम्पू और मास्क, जो कि काफी अच्छा है। आप भी से अपने रिबॉन्डेड, अपने स्मूथनिंग हेयर पे यूज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एकदम ओरिजिनल है और बिल्कुल पैक बंद मिला है मुझे, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा था या कई बार शैम्पू बिखर जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी पैकिंग नहीं थी इसकी। तो ये थे मेरे थोड़े से ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट देखना है कैसा नहीं, वो भी मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको। और इनमें से किसी का स्पेशली रिव्यू देखना चाहते हैं कि इसका करके दीजिएगा, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आपको आज का ब्यूटी हॉल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया और अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।